हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन लेसन नंबर 5 मृदा अभिक्रिया का टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन पीएच स्केल। पिछली क्लास में अपने डिस्कस किया था मृदा अभिक्रिया का परिचय और मृदा पीएच के बारे में। आज बात करेंगे अपन पीएच स्केल कि पीएच को अपन कैसे मापेंगे, किस तरह से मापेंगे। पीएच को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसको अपन पीएच पैमाना कहते हैं या पीएच स्केल कहा जाता है। अब इसको 0 से कहां तक 14 तक निर्धारित किया गया है, कहां तक 0 से 14 तक निर्धारित किया गया है। क्लियर। अब देखो यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 11, 12, 13 और 14। क्लियर। 0 से 7 तक कौन सी प्रकृति होगी आपकी, अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति होगी 0 से 7 तक। इस 7 पर कौन सी प्रकृति होगी आपकी, उदासीन प्रकृति होगी। कौन सी प्रकृति होगी बेटा, उदासीन प्रकृति होगी 7। ठीक है। और 7 से लेकर 14 तक कौन सी प्रकृति होगी आपकी, क्षारीय प्रकृति होगी। कौन सी प्रकृति होगी आपकी, क्षारीय प्रकृति होगी 7 से लेकर 14। किसी भी विलयन की पीएच 0 से 7 के मध्य होती है तो वो अम्लीय होता है, 7 होती है तो उदासीन होता है, 7 से 14 होती है तो कौन सा होता है, वो क्षारीय होती है। इस तरह से अपन 0 से 14 के मध्य किसी भी मृदा विलयन की पीएच का मान पता करके उसकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है उसको अपन पता कर सकते हैं। क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। बात क्लियर है। अब इस पीएच स्केल के आधार पर अपन यहां पर क्या करेंगे, नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। यदि ध्यान दो आप, नॉर्मलता क्या है, सांद्रता है। नॉर्मलता क्या है बेटा, सांद्रता है। देखिए इधर अपन बात कर रहे हैं पीएच के आधार पर, नॉर्मल और पीओएच के आधार पर नॉर्मल। क्लियर है, पीएच के आधार पर नॉर्मलता और पीओएच के आधार पर नॉर्मलता। क्लियर। पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, अम्लीय प्रकृति। इसकी बात कर लेते हैं अम्लीय प्रकृति। अगर इसमें पीएच बराबर आपकी 0 है तो यहां पर नॉर्मलता का मान क्या होगा, 0.1 होगा। क्या होगा, 0.1 होगा। अम्लीय विलयन या अम्लीय पदार्थ के लिए पीएच का मान 0 है तो वहां पर नॉर्मलता कितनी होगी, 0.1 होगी। और अगर पीओएच का मान कितना है आपका, 14 है तो वहां पर नॉर्मलता कितनी होगी आपकी, 0.00000000000 एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक, या इसको ले सकते अपन 10^-14। क्लियर। तो अम्लीय प्रकृति में पीएच का मान 0 होने पर नॉर्मलता होगी 0.1 और पीएच का मान 14 होने पर नॉर्मलता होगी 10^-14 या 0.00000001। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, क्षारीय प्रकृति। किसकी बात करते हैं अपन, क्षारीय प्रकृति। ये क्लियर हो गया बेटा, ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच 0 पर अम्लीय मृदा की नॉर्मलता क्या होगी, पीएच पीओएच 14 पर अम्लीय मृदा की नॉर्मलता क्या होगी। अब अपन क्षारीय मृदा की बात कर लेते हैं। देखिए इधर क्षारीय मृदा में क्या होगा, इसकी बात करेंगे अपन। अब क्षारीय मृदा इसकी बात करेंगे बेटा, क्षारीय मृदा की बात। क्षारीय मृदा में पीएच का मान, किसका मान, क्षारीय मृदा में पीएच का मान
14 होने पर पीएच का मान कितना होने पर 14 होने पर क्षारीय मृदा में पीएच का मान 14 होने पर नॉर्मलता जो है वो क्या होगी आपकी 10^-14 होगी। क्लियर हो गया बात। और पीएच का मान 0 होने पर नॉर्मलता कितनी होगी आपकी 0.1 होगी। बात समझ में आ रही है क्लियर। क्षारीय मृदा में पीएच का मान 14 होने पर नॉर्मलता होगी 10^-14 और पीओएस का मान 0 होने पर नॉर्मलता होगी 0.1। उल्टा हो गया आपको क्लियर। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये आपका पीएच स्केल और पीएच और पीओएस के आधार पर नॉर्मलता मतलब सांद्रता कितनी होगी। फिर इसमें एक टॉपिक है अपने पास में मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण। इसकी बात करूंगा मैं मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण। देखिए तीन पॉइंट है जिनके आधार पर अपन किसको मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण को समझेंगे। मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण फर्स्ट प्रतिशत बेस संतृप्ति। प्रतिशत बेस संतृप्ति परिभाषा आपको पता है। क्या परिभाषा है? कुल विनिमयशील धनायन बटा धनायन विनिमय क्षमता। देखिए कुल विनिमयशील भस्म मतलब धनायन बटा धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100। क्या ये प्रतिशत बेस संतृप्ति। अगर कम है तो उस मृदा अभिक्रिया में क्या आएगी? अम्लता होगी। और 100 से ज्यादा है तो क्षारीय या उदासीन होगी। क्षारीय या उदासीन होगी तो किसके ऊपर डिपेंड किया अपने पास में? प्रतिशत बेस संतृप्ति। फिर बात करते हैं मिसेल की प्रकृति। बड़ा ध्यान दीजिए मिसेल एक तरह का आपका इस तरह का क्या होता है? एक समूह होता है जिसमें मृदा में उपस्थित जो भी अवयव हो वह गुच्छे समान संरचना बनाती है। क्या समान बनाती है? गुच्छे समान संरचना बनाती है जिसको क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है। अब अगर एक गुच्छे समान संरचना टूट जाएगी मतलब वियोजन ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगी? प्रभावित होगी। पीएच क्या होगी? प्रभावित होगी। जैसे अपने पास में 50% बेस संतृप्ति पर फिक्स कर दिया अपन ने 50% बेस संतृप्ति पर वियोजन के आधार पर पीएच का मान क्या प्राप्त हो रहा है? अलग अलग प्राप्त हो रहा है क्योंकि उसकी मिसेल प्रकृति क्या हो रही है? बिगड़ रही है। वियोजन होगा तो गुच्छा टूट जाएगा, मिसेल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, हट जाएगा, राइट। तो समान बेस संतृप्ति पर वियोजन के आधार पर पीएच क्या हो रही है? अलग अलग प्राप्त हो रही है। कैसे? देखिए आप सिलिकेट क्ले की पीएच क्या है? 5.2 से 5.8। क्लियर। हाइड्रोक्साइड की क्या है? 6 से 7। और कार्बनिक कोलाइड की सबसे कम है 4.7 से 5। मतलब ये सबसे ज्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय है और ये आपकी क्या है? क्षारीय है, लगभग उदासीन कह सकते हैं अपन इसको। क्लियर। फिर आते हैं आपकी थर्ड पॉइंट अधिशोषित भस्मों के प्रकार। मृदा की सतह पर अधिशोषित होने वाले भस्म मतलब धनायन के प्रकार। अगर अपन बात करें किसकी? सोडियम धनायन की। सोडियम धनायन की क्षारता सबसे ज्यादा होती है। अगर इसका अनुपात ज्यादा है तो पीएच का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे 90% बेस संतृप्ति है अपने पास में, कितने लिए? कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम और सोडियम। इसमें अनुपात है 10:3:1:1। दूसरा प्रकार लिया अपन ने 5:1:1। तो यहां अनुपात किसका कम है? सोडियम का। यह अनुपात किसका ज्यादा है? सोडियम का। तो यह सोडियम का अनुपात कम है तो पीएच का मान भी क्या हो गया? कम। मतलब क्या हो गई? ये अम्लीय प्रकार। सोडियम क्या है? क्षारीय प्रकृति का। सोडियम का अनुपात बढ़ गया
तो पीएच का मान बढ़ गया, मतलब क्षारकता बढ़ गई। क्लियर? तो अधिशोषित भस्म, अगर सोडियम भस्म ज्यादा अधिशोषित हो रही है तो पीएच का मान ज्यादा होगा, क्षारकता ज्यादा होगी। सोडियम कम हो रहा है अधिशोषित तो पीएच का मान कम होगा, क्षारकता क्या होगी, कम होगी, मतलब अम्लता ज्यादा होगी। क्लियर? तो यह आता आपका क्या, मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियम। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।